बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ पर असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किए जाने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को नेता प्रतिपक्ष पर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने पत्र भी लिखा है। बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पत्र में कहा है कि कमलनाथ एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता है। उन्होंने अपने बयान में सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अतुल शर्मा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। पत्र में क्या कुछ लिखा है, आइए हम सीधे उनसे जानते हैं। सर, विधानसभा अध्यक्ष को आपने पत्र लिखा है और कमलनाथ जी को शिकायत भी की, क्या कुछ मामला है सर? देखिए, कमलनाथ जी जो मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, जिम्मेदारी वाले पद पर हैं, संवैधानिक पद पर हैं, उन्होंने का ये कहना विधानसभा के अंदर मैं इसलिए नहीं जाता कि वहां बकवास होता है और एक दल के लोग बकवास करते हैं, मैं उनका बकवास सुनने के लिए थोड़ी हूं। कमलनाथ जी, संवैधानिक मर्यादाओं में अगर आप इतने संसदीय लोकतंत्र में अगर आपका अनुभव है जो आप कहते हैं, तो सदन के अंदर एक कार्रवाई भी, एक शब्द भी गलत निकलता है, जो असंसदीय भाषा जिसको कहते हैं, उसको तत्काल डिलीट करने का काम माननीय लोकसभा अध्यक्ष, माननीय विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। और आपका पूरे संसदीय प्रक्रिया पर प्रश्न खड़ा करना वहां तो बकवास होता है। आपने संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, आपने मखौल उड़ाया है विधानसभा की कार्रवाई का, जहां पर नीति निर्धारण होता है, जहां पर गरीबों के कल्याण की योजनाएं बनकर के, गरीब के जीवन बदलने की वहां पर नीति बनकर के हम आगे बढ़ते हैं, कोई भी सरकार उस पर ही काम करती है, बिना विधानसभा के अंदर कौन सी नीति का निर्धारण हम कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई की बात, उस पर बकवास की बात करना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष को लिखा है कि सदन की मर्यादा का उन्होंने उल्लंघन किया, उनके खिलाफ जो वहां के धारा एक अनुच्छेद 194 संविधान का और जो विधानसभा की प्रक्रिया आचार और नियम के तहत 264-265 के तहत उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। सर, कमीशन को लेकर भी कई आरोप कल कमलनाथ ने लगाए हैं, तो क्या कुछ इसको लेकर? नहीं, कमीशन को लेकर के आरोप नहीं, उन्होंने तो कहा है कि काम होते हैं तो कमीशन मिलता है और पैसा कहां से आता है। तो कमलनाथ जी, इसके बारे में मध्य प्रदेश पूछना चाहता है कि आपने कौन सा कमीशन खाया है जो आपको बड़ा अनुभव है इस बात का। आपकी सरकार थी, 280 करोड़ रुपए आपके सिपाही सालारों के छापा में पकड़े गए थे, उनका कनेक्शन आपके कांग्रेस के कार्यालय से पाया गया था, तो क्या वो कमीशन इन्हीं योजनाओं का था? गरीबों की योजनाओं को जो आपने बंद कर दी थी और बाकी जो आप चालू कर रहे थे उन योजनाओं से कमीशन खा करके वो पैसा आपको मिला था, ये भी मध्य प्रदेश आपसे जानना चाहता है। तो हमारे साथ बीजेपी प्रदेश वीडी शर्मा साहब, साफ तौर पे कमलनाथ के बयान को लेकर अब बीजेपी लगातार हमला हो रही है, विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है और आने वाले दिनों में बीजेपी और भी उग्र होती हुई नजर आएगी। कैमरा आशु के साथ अतुल शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।